हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा मिल्क केक। इसे अलवर का मावा भी कहा जाता है, कलाकंद के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार कोई खाएगा तो वो बार बार मांगेगा आपसे खाने के लिए। और इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और बहुत ही टेस्टी मावा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने मिल्क केक बनाने के लिए 2 लीटर मिल्क लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है। ये बनता आसानी से है लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। इसे हमें उबालते उबालते पूरा 1 लीटर तक पकाना है। ये देखिए, अभी इसमें ये बॉयल आ चुका है लेकिन इसको हम पकाते ही रहेंगे अच्छी तरह से और घुमाते ही रहेंगे। ध्यान देना है हमें साइड से भी हम पूरा निकालते रहेंगे, नहीं तो वहाँ पे जो है मलाई जो है जमती जाएगी, साइड होती जाएगी। देखिए 30 से 35 मिनट हमें लग गए इसको पकाने में। अभी ये जो दूध है वो आधा पक चुका है, 2 लीटर का वो 1 लीटर हो चुका है दूध। इतना हमें इसे पका लेना है और घुमाते हुए ही पकाना है। अभी हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ हमने एक छोटा नींबू लिया है, ये 1 टीस्पून पहले हम अभी डाल रहे हैं। अच्छे से मिलाते रहेंगे, जैसे कि मैंने बोला मिलाना हमें छोड़ना नहीं है। और ये दूसरा टीस्पून नींबू का रस, और इसी तरह हम घुमाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे अच्छे से दाने दाने दिखेंगे आपको दूध में। ये देखिए किस तरह से अभी हल्के से दाने दाने बनने शुरू हो गए हैं इसमें। ये देखिए अभी 20 से 25 मिनट और हमें लग गए इसको पकाने में और अभी ये हल्का सा मावा थिक होने लगा है, दूध अच्छे से सूख गया है इसका। साइड्स भी देखिए कितने अच्छे से क्लियर हैं और दूध चिपका नहीं है नीचे। इसी तरह घुमाते रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अभी ये मावे का कलर भी देखेंगे आप, हल्का सा येलोइश हो चुका है। अभी हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। ये मैंने 220 ग्राम शक्कर यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शक्कर डालेंगे, एक साथ पूरी शक्कर नहीं डाल देंगे। थोड़ा शक्कर डाल के पहले हम मिलाएंगे, शक्कर भी जो है जैसे ही मेल्ट होगी तो पानी छोड़ेगी। तो ये हमें स्टेप ध्यान देना है कि शक्कर हमें कब डालनी है। और यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, फास्ट गैस नहीं रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है। अभी ये दूसरी जो शक्कर है बची हुई वो हम डाल देंगे और इसी तरह मिलाते ही रहेंगे, मिलाना हमें छोड़ना नहीं है। जैसे ही शक्कर मेल्ट होती जाएगी, सूखने लगेगा इसका पानी, तो और भी इसका कलर अच्छा चेंज हो जाएगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छे से शक्कर का पानी जो है वो सूख चुका है, थिक हो गया है मावा यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच घी। पहले हम 1 स्पून डालेंगे घी का। और कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है अभी इसमें। ये देखिए अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी का और अच्छे से मिलाएंगे और धीमी आंच पर इसे हम और 5 से 10 मिनट पकाएंगे, जिससे और अच्छा थिक हो जाए और जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए वो। ये देखिए 5 से 10 मिनट बाद कितना अच्छे से थिक हो गया है, कलर भी अच्छा ब्राउन आ गया है इसमें और जमने की कंसिस्टेंसी में भी आ गया है। ये मावा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है सेट करने के लिए। गैस हम बंद कर देंगे।
मावे को जिसमें हमें सेट करना है उसको हम अच्छे से घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और ये डाल देंगे मावा इसमें। अच्छे से उसको सेट करेंगे इस पर। ये मेरे पास बड़ा मोल्ड है तो मैं थोड़ा उसको सेट करने के लिए आगे तक नहीं ले रही हूँ पूरा। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। 3 से 4 घंटे इसको लगेंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए और उसके बाद ये सेट भी हो जाएगा पीसेस करने के लिए। ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद सेट हो गया है ये अच्छे से पीसेस करने के लिए। पहले हम नाइफ की मदद से साइड्स इसके अलग कर देंगे। इसे हमने घी से ग्रीस किया था तो इसको यहाँ इससे बाहर निकालने के लिए पहले आप 2 सेकंड के लिए इसको गैस पे रखिएगा तो हल्का सा घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो ये आसानी से जो है मोल्ड से बाहर आ जाएगा। और 2 सेकंड के लिए गैस पे रख के हमने उसको पलट के मोल्ड से निकाल दिया है इस तरह से। इसके हमें पीसेस करने हैं, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हो इसके जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरह से पीसेस करने के बाद आप इसे अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स जो आपको यूज़ करने हैं वो यूज़ करके इसे गार्निश कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पिस्ते लिए हैं, इनको इस तरह से हमने स्लाइस में कट किया है। आप चाहें तो इस तरह बादाम को भी ऐसे 2 स्लाइस में करके इस तरह आप गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है ये मावा मिल्क केक। अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं तो ये आप घर पर बना के अच्छे से त्यौहार का मज़ा उठा सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। इसमें हमने ना मावा यूज़ किया है ना ही खोया, फिर भी ये सॉफ्ट एंड जूसी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रख के बनाने हैं ये गुलाब जामुन, तो बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, 1 स्पून हम इसमें डालेंगे रवा, 1 स्पून डालेंगे इसमें मैदा, 1 बार सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे घी, 1 मिक्सचर को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ हमने लिया है 5 से 6 चम्मच दूध, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डाल देना है हमें इसमें। और अच्छे से इसको मिक्स करना है, एक स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है इसका। ये हमने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके हमें ये बैटर तैयार करना है। ये देखिए हमने तकरीबन इसमें 4 चम्मच दूध यूज़ किया और अच्छे से ये बैटर बनकर तैयार हुआ है।
जो है एकदम थिक भी नहीं रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो बैटर में चिपचिपाहट लग रही थी वो भी नहीं लगेगी रवा की वजह से। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है 5 मिनट बाद, और चिपचिपाहट भी इसकी निकल गई है, और अच्छे से इस तरह से बॉल्स तैयार हो रहे हैं हमारे। और एकदम छोटे छोटे बॉल्स हमें तैयार करने हैं, क्योंकि जब इसे फ्राई करते हैं तभी भी फूल जाते हैं, और जब शक्कर के सिरप में हम इसे डालेंगे तो भी ये अच्छे से और भी फूल जाएंगे। तो स्मॉल बॉल्स हमें इस तरह से तैयार करने हैं। ध्यान देना है क्रैक्स नहीं रहने चाहिए इसमें थोड़े भी, नहीं तो फ्राई होने के टाइम पे ये खुल सकते हैं। ये देखिए ये हमने सभी बॉल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। बॉल्स फ्राई करने के लिए हमारा यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसको हमें अभी लो फ्लेम पे रखना है, और एक एक करके हम सभी बॉल्स इसमें अभी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इसको इस तरह से लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। अगर आपको लगता है ज़्यादा ऑयल ठंडा हो रहा है तो आप थोड़ा गैस फास्ट कर सकते हो। इस तरह से सब बॉल्स डाल के हम स्पून की मदद से इसको थोड़ा सा साइड चेंज करने की ट्राई करेंगे। देखिए फ्राई होने के टाइम पे ही हल्के से वो फूल चुके हैं। इसी तरह से घुमाते हुए हम अच्छे से गोल्डन कलर होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे, और ऐसे घुमाते ही रहेंगे जैसे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हल्का सा अच्छा अभी कलर आने लगा है इनके, और ये हमने मीडियम गैस ही रखी है, फास्ट गैस नहीं किया है हमने। ये देखिए अच्छे से ये गोल्डन कलर हो चुके हैं और हर तरफ से ये अभी फ्राई हो गए हैं। इनको हम अभी निकाल देंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्लैट पैन लिया है, इसमें हमने डाला है 1 कप शक्कर, और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम अभी डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची, इसको हम खोल के डाल रहे हैं। इलायची से अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। वन टीस्पून हम इसमें डालेंगे ये रोज एसेंस, अच्छा फ्लेवर आता है रोज का इससे। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं। इसको मिलाते हुए अच्छे से शक्कर को हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। सिर्फ हमें ध्यान देना है इस तरह से चिकनाई आनी चाहिए जैसे ऑयल में चिकनाई रहती है, इसमें हमें तार नहीं चाहिए। अगर वो तार बन गई तो वो जल्दी जूस जो है अच्छे से नहीं ले पाएंगे गुलाब जामुन। तो इस तरह से हमें खाली चाशनी तैयार करनी है, शक्कर पिघलने तक हमें इसे बॉइल करना है। धीमी आंच कर देंगे और सभी बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। ये पैन को हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम शुगर सिरप में पकाएंगे। 1 से 1.5 घंटे इसी तरह से हम बाद में रख देंगे शुगर सिरप में, तो ये हमारे जो गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर तक जूस जो है वो ले लेंगे। तो बिना मावा और खोया के कितना अच्छे से ये हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी रक्षाबंधन या दिवाली हो, घर पे इस तरह से गुलाब जामुन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसे सजा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बादाम और कुछ पिस्ते स्लाइस में कट करके इस पे डाले हैं। सिर्फ हमें इसमें दो बातें ध्यान देनी है, एक चाशनी कैसे रहनी चाहिए और जो बॉल्स बनते हैं वो बिना क्रेक के रहने चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा काजू कतली। रक्षाबंधन हो या दिवाली, त्योहारों के टाइम पे काजू कतली लेना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप ये घर बैठे आसानी से बना सकते हो काजू कतली, बहुत ही आसान है, तो बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये 150 ग्राम काजू लिए हैं। आप चाहें तो इसका टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो। काजू का हमें सिर्फ ध्यान देना है कि वो अच्छे से ड्राई होने चाहिए, फ्रेश सिले हुए नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो कतली जो है अच्छे से नहीं बनेगी। काजू को हम इस तरह से मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंड करेंगे इसको, एक साथ ज़्यादा मिक्सर में नहीं डाल देने हैं। और इस तरह से ग्राइंड करके रुकते रहेंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे जैसे इसका फाइन पाउडर बने। हमें इसका पाउडर चाहिए, ना ही पेस्ट चाहिए। अगर हम एक साथ चला देंगे तो वो पेस्ट बन जाएगा। ग्राइंड करने के टाइम हमें ये बात ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ग्राइंड होने के बाद इस तरह से हम छन्नी लेंगे और इसे छान लेंगे। इसको छानने से हमें एक फाइन पाउडर अच्छे से मिल जाएगा और अगर कुछ भी पीसेस इसमें रह गए होंगे तो वो हम फिर से मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। फिर से पूरा ग्राइंड करने के बाद भी जो रह जाता है थोड़ा सा, वो हम ग्रेवीज में या खीर में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो एयरटाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर कीजिए और फिर इसका यूज़ कीजिए। ये हमारा फाइन पाउडर हो चुका है काजू का, ये देखिए। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। आपको डालना है तो डाल सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसकी चाशनी बनाना शुरू करेंगे। पैन में हमने यहाँ पे लिया है 80 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम हमने काजू यूज़ किए थे उस पर 80 ग्राम हम शक्कर डालेंगे और 100 ml हम इसमें डाल रहे हैं पानी। इस तरह हमें घुमाते ही रहना है और इसका अच्छे से चाशनी तैयार करनी है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 teaspoon इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। आप यहाँ पे चाहें तो रोज़ सेंस भी डाल सकते हो। और हमें शक्कर को सिर्फ अच्छे से मेल्ट करना है, ऐसा नहीं कि इसमें 1 या 2 तार की चाशनी चाहिए हमें। देखिए शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। सिर्फ हम चेक करेंगे, जैसे तेल जैसी चिकनाई आ रही है वैसे आनी चाहिए। तो ये हमारा शुगर सिरप जो है बनकर तैयार हो गया है। चाशनी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारी काजू कतली जो है वो हार्ड हो जाएगी। ये स्टेज पे हम धीमी आंच कर देंगे और ये काजू का जो हमने पाउडर तैयार किया है वो हम डाल देंगे और धीमी आंच पे ही हम इसे अच्छे से मिला देंगे जैसे लम्स नहीं आए। ये देखिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम घुमाते ही रहेंगे। इसे साइड से भी निकालते रहना है, नहीं तो परत जमनी शुरू हो जाएगी। अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। घी जैसे ही डालेंगे उसमें एक अच्छे से शाइन भी आ जाएगी और 1 मिनट अच्छे से घुमाने के बाद ये साइड्स भी छोड़ने लगेगा। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं,
अभी कैसे अच्छे से साइड्स भी शो होने लगा है और खुद ही इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए इस तरह से जब हो जाए तो हमें इसे ज़्यादा और नहीं पकाना है। यहाँ हम अभी गैस बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमने ये प्लास्टिक लिया है, इस पर हम 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये जो काजू का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इस पर डाल देंगे। स्पैटुला की मदद से या प्लास्टिक का बड़ी है तो इस तरह से हम उसे घुमाते रहेंगे, नहीं तो ऊपर से एक परत बन जाएगी तो काजू कतली हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से थोड़ा हल्का सा उसे ठंडा करेंगे। एक मिनट हो चुका है और ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है। इसको हम हाथ से एक अच्छा सा एक बॉल तैयार कर देंगे। बीच में रख के इस तरह से उसको हम फोल्ड कर देंगे प्लास्टिक को और इस तरह से बेलेंगे। सभी तरफ से हमें अच्छे से इसे बेल देना है और जो काजू कतली हमें तैयार करनी है वो 1/2 इंच के तकरीबन बस रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से हमें बेलने के बाद उसे हल्का सा ठंडा करेंगे। आप इस पे चाहें तो अभी चांदी का वक्त लगा सकते हो, टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद है तो आप नहीं लगाइए। ये लगाने के बाद इस तरह से हमें इसके पीसेस करने हैं, जैसे डायमंड की शेप में रहती है काजू कतली। साइज आपको छोटी या बड़ी रखनी है, अपने हिसाब से आप इसके पीसेस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बनकर तैयार है काजू कतली। कितनी आसान है ये घर पे बनाना, जस्ट ये 2-3 स्टेप हमें याद रखने हैं कि इसका पाउडर कैसा रहना चाहिए और इसके शुगर जो सिरप जो हमने बनाया उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रख के आप घर पे इतनी अच्छे से काजू कतली तैयार कर सकते हो। आज हम बनाने जा रहे हैं रोल मिठाई, जिसे आप बर्फी के भी नाम से कह सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें हमने ना गैस का इस्तेमाल किया है, ना मावा, ना खोया, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी बनी है ये मिठाई। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश नारियल, इसको हमने ब्राउन इसका निकाल कर अच्छे से ग्राइंड किया है, 1/4 कप हम यहाँ पे लेंगे पिसी हुई चीनी, 2 पिंच हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून दूध, 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिए हैं बादाम जो इनको बारीक काट लिया है, किशमिश इनको भी हमने इस तरह से 1/2 कट किया है, और 2 चम्मच हम लेंगे काजू जिनको हमने बारीक काट लिया है। पहले एक बार आप बोल लेंगे। इसमें हम डालेंगे ये 1 कप मिल्क पाउडर। फ्रेश कोकोनट अच्छे से ये ग्राइंड होना चाहिए। अभी हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, सब ये ड्राई पाउडर एक साथ मिला देंगे।
अभी हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने फ्रेश कोकोनट लिया है तो कोकोनट में भी मिल्क रहता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ही मिल्क यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छे से वो रोल नहीं तैयार हो सकेगा। रोल मिठाई तैयार करने के लिए हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर हल्की सी चिपचिपाहट लग रही है तो हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए और बाद में आप ये रोल को देखेंगे तो इसमें चिपचिपाहट नहीं लगेगी आपको। ये देखिए, ये हमारा डो बनकर तैयार है। इसको हम अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में जो हमने डिवाइड किया है, एक में हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और एक हम वाइट ही रखेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से ये मिक्स हो गया है। यहाँ हम लेंगे सिल्वर फॉइल, उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। सिल्वर फॉइल को अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। ये जो ऑरेंज वाला डो हमने तैयार किया है, इसको हम इस पे रख के बेलन से हमें बेलने के लिए भी इसको पहले हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ बेलन को, और अच्छे से हमें इसे बेलना है। इस तरह से घुमाते हुए बेलेंगे और इसको ना ही हमें ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही बिल्कुल पतला कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बेलने के बाद अभी हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। बोल में हम डालेंगे किशमिश, बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटे हुए काजू। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। किशमिश की वजह से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। ये स्टफिंग हम अच्छे से इस पर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद थोड़ा हम स्प्रेस कर देंगे जिससे स्टफिंग बाहर नहीं आए। अभी इसे हम रोल करने के लिए ये फॉइल के साथ ही इसे हम उठाएंगे और हल्के हाथों से फिंगर्स से हम इसे रोल करते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से करना है हमें। और स्लोली स्लोली हम फॉइल से इसे अलग करते हुए ऐसे रोल करेंगे। ये देखिए, कितना अच्छी तरह से ये रोल तैयार हुआ है। साइड से इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। सिल्वर फॉइल को फिर से हम घी के साथ ग्रीस करके वाइट वाला पेड़ा हम इस पे रखेंगे और बेलन को भी हमें फिर से ग्रीस कर लेना है इसे बेलने के लिए, और अच्छी तरह से इसे भी हम फॉइल को घुमाते हुए बेलेंगे।
ये देखिए, ये भी इस तरह से हमने बेल दिया है। अभी जो हमने रोल तैयार किया था वो हम इस पे अच्छे से रखेंगे और सेम फॉइल की मदद से वाइट वाले को इस तरह से रोल करेंगे। बहुत ही आहिस्ते से करेंगे जिससे अच्छे से वो रोल हो जाए। और इसे हम कवर करके रख देंगे हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। हाफ एन आवर के बाद हम इसे फॉइल से निकाल के इसके पीसेस करेंगे। हाफ एन आवर हो चुका है, ये देखिए और इसको अच्छे से हम अलग करेंगे फॉइल से। ये देखिए रोल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। पहले हम रोल के साइड्स अलग कर देंगे, अच्छे से साइड्स को निकाल देंगे। आप इस पे भी जो भी ड्राई फ्रूट चाहो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, आप चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और इस तरह से इसे हम रोल कर देंगे जैसे पूरे रोल के ऊपर जो है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हम इसको बर्फ़ी के शेप में कटिंग करेंगे। ये देखिए, अपने हिसाब से आप इसकी छोटी या बड़ी ऐसे बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं कट करके। तो ये हमारी बनकर तैयार है रोल मिठाई बिना गैस के। 10 मिनट के अंदर ये कितने अच्छे से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये रक्षाबंधन पे आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए।